ये मोदी 3.0 है, जिसके कांधों पर विकसित भारत के निर्माण की जिम्मेदारी है। मैं राजनाथ सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं अमित अनिल चंद्र शाह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं नितिन जयराम गडकरी ईश्वर की शपथ लेता हूं। मैं जगत प्रकाश नड्डा ईश्वर की शपथ लेता हूं। आई निर्मला सीतारामन। मैं किरण रिजिजू। इन सभी ने मंत्री पद की शपथ ली है। इसमें अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल, एस जयशंकर, मनसुख मांडविया और गिरिराज सिंह जैसे नेता भी शामिल हैं, जो सरकार चलाने का बड़ा अनुभव रखते हैं और पिछली सरकार का हिस्सा थे। मैं पीयूष वेद प्रकाश गोयल ईश्वर की शपथ लेता हूं। मैं गिरिराज सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं। आई सुब्रमण्यम जयशंकर डू स्वेयर इन द नेम ऑफ गॉड। वहीं शिवराज सिंह चौहान, मनोहर लाल खट्टर, जयंत चौधरी, जीतन राम मांझी, ललन सिंह, एचडी कुमार स्वामी, चराग पासवान और कई ऐसे नाम भी हैं जिन्होंने पहली बार केंद्र में मंत्री पद की शपथ ली है। मैं चिराग पासवान ईश्वर की शपथ लेता हूं। मैं शिवराज सिंह चौहान। मैं जीतन राम मांझी। मैं राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह। आई जयंत चौधरी डू स्वेयर। मैं मनोहर लाल। मोदी 3.0 की सबसे खास बात यह है कि इस बार सहयोगी दलों की भी बड़ी हिस्सेदारी है। जेडीयू के कोटे से ललन सिंह, रामनाथ ठाकुर हैं, तो टीडीपी से के राम मोहन, नायडू और पी चंद्रशेखर मंत्री बने हैं। एलजेपी आर से चराग पासवान, हिंदुस्तान अवाम मोर्चा की तरफ से जीतन राम मांझी, अपना दल से अनुप्रिया पटेल, आरएलडी से जयंत चौधरी, आरपीआई से रामदास अठावले, शिवसेना से प्रताप राव जाधव और जेडीएस से एचडी कुमार स्वामी मंत्री बने हैं। इस बार मोदी कैबिनेट में सहयोगी दलों की संख्या भी अच्छी खासी है, क्योंकि ये सरकार सहयोगियों की मदद से बनी है। हालांकि किसको कौन सा पोर्टफोलियो मिलेगा, इस पर मोहर अभी बाकी है। इस बार बीजेपी को 240 सीटें आई हैं। इसमें सबसे बड़ा नुकसान उसे यूपी में हुआ है। बावजूद इसके मंत्रिमंडल में सबसे ज्यादा मंत्री यूपी से ही हैं। इसमें राजनाथ सिंह, हरदीप पुरी, जयंत चौधरी, अनुप्रिया पटेल, जितिन प्रसाद, एसपी सिंह बघेल, पंकज चौधरी, कीर्ति वर्धन सिंह, बीएल वर्मा और कमलेश पासवान जैसे महारथी हैं। वहीं बिहार की बात करें तो दिल्ली की सरकार में उसके मंत्रियों की हिस्सेदारी दूसरे नंबर की है, जिसमें बीजेपी की तरफ से गिरिराज सिंह, रामदास ठाकुर, नित्यानंद राय, रामभूषण निषाद, सतीश दुबे हैं, तो सहयोगी दलों की तरफ से ललन सिंह, चराग पासवान, जीतन राम मांझी हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र से 6, गुजरात से 5, कर्नाटक से 4, मध्य प्रदेश से 4, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, झारखंड से 3-3 और तेलंगाना से 2 मंत्री बने हैं। मोदी मंत्रिमंडल में इस बात का खास तौर पर ध्यान रखा गया है कि किस राज्य से कितनी सीटें मिली हैं और किन राज्यों में चुनाव आने वाले हैं, उसी के मुताबिक मंत्रिमंडल का समीकरण बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये अब तक की सबसे ज्यादा मंत्रियों वाली मोदी सरकार है, जिसका दायरा न सिर्फ बढ़ा है बल्कि इससे उम्मीदें भी बढ़ी हैं, क्योंकि एक सपना विकसित भारत का है तो दूसरा सपना तीसरी अर्थव्यवस्था का है।